शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के बोकहा गांव में आहूत 5 दिवसीय महावीरी झंडा को लेकर 251 कुमारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ सुंदर वस्त्र परिधानों से सुसज्जित कुमारी कन्याओं के नेतृत्व में उक्त शोभा यात्रा झंडा स्थल से आरंभ होकर सरेमपुर स्थित महादेव मंदिर तालाब पहुंची, जहां विधि विधान से कलश में पवित्र जल बोझकर पहिपूरा होते हुए वापस झंडा स्थल पर पहुंची, जहां राजद नेत्री प्रिया राज, सलेमपुर के मुखिया अनिरुद्ध राय, सरपंच अजय वर्मा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पूर्व उप प्रमुख दिनेश ठाकुर, पूर्व जिला पार्षद दिलीप राम आदि ने संयुक्त रूप से फीता काट कर पूजा का उद्घाटन किया। फिर विद्वान पंडितों के नेतृत्व में वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के बीच पुजारी प्रकाश झा के द्वारा कलश स्थापित कराया गया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल कन्याएं पंक्तिबद्ध होकर माथे पर कलश लिए जय जयकारे लगा रही थी, जो समूचे वातावरण को मनमोहक और भक्तिमय बना रहा था। जानकारी देते हुए आयोजक समिति के अध्यक्ष व राजद के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन में मनोरंजन के लिए मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। वहीं विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। विशेष रूप से 13 नवंबर को मैथिली कलाकार उषा यादव व गौरव ठाकुर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जबकि 13 व 14 को दोपहर 2 बजे से पहलवानों के बीच दंगल प्रतियोगिता भी आयोजित होगा। आयोजन को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष अरुण कुमार यादव, राजेश शर्मा, सचिव अवधेश यादव, मेला इंचार्ज अशोक यादव, चंदेश्वर साह, जयराम साह, मोहन साह, ध्यानी यादव, पवन यादव, संजय यादव सहित दर्जनों सदस्य व ग्रामवासी जुटे हुए हैं। देखिए, आज सलमपुर पंचायत के अंतर्गत बोखा गाँव आता है, यहाँ झंडा का शुभारंभ हुआ है। कल पारम के दिन झंडा खड़ा हुआ और आज कलश यात्रा था, जिसमें हम लोगों को यहाँ के कमिटी के द्वारा बुलाया गया था। हम लोग आए और कलश यात्रा और झंडा का उद्घाटन करने का काम किए। बहुत अच्छा से देखे हैं सारा, हम लोग घूम के, बहुत अच्छा आयोजन है। सभी तरह का बच्चों लोगों को लुत्फ उठाने के लिए ब्रेक डांस से लेके बड़ा बड़ा झूला और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ों का आयोजन किया गया है। मेला में दंगल का भी आयोजन किया गया है। आप सभी लोग से हम अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि दूर दूर के जो भी लोग हैं, आप लोग भी देखने आइए मेला में। झंडा कलश यात्रा था और कल जो है पारण को छठ पूजा समाप्त के बाद कल पारण को झंडा यहाँ खड़ा हुआ और आज पूरे समिति के द्वारा आज आपको कलश यात्रा निकाला गया। उसमें कुमारी कन्या 251 थी और जो सलहा नदी है वहाँ से जल भर करके और जो महावीर झंडा बना हुआ है वहाँ पर कलश स्थापित किया गया है। सभी चीज़ों का व्यवस्था रहेगा, जैसे झूला, मनोरंजन के लिए मेला, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब व्यवस्था है। सबसे पहले तो जो महावीर झंडा का जो उद्देश्य है उसको हम लोग सब जगह व्यापक रूप से प्रभाव रूप में लाने का कोशिश करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य भी है और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भी हम लोग पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। 14 तक रहेगा। क्या कार्यक्रम है मेला? लकड़ी खेला तो रोज ही चलेगा, 2-3 गो मंडली है, सैकड़ों लोग लकड़ी खेलते हैं यहाँ, जो देखने लायक होता है उसका कार्यक्रम दिन में होगा। संध्या समय से फिर नाच सांस्कृतिक कार्यक्रम है कुंवर ब्रिजभान का और 13 के संध्या में उषा यादव और गौरव ठाकुर जो मैथिली गाना के सुपर स्टार गायक है, गायिका है, उनका कार्यक्रम है और दिन में 13-14 को महादंगल है। बजरंग बली तो कही है, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, तो यहाँ दंगल का भी आयोजन किया गया है। जबरदस्त दंगल होगा जो देखने लायक होगा, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। क्या अपील करेंगे यहाँ आने वाले श्रद्धालु? यहाँ आने वाले से हम लोग यही अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहे, हमारे जो भी आगंतुक बाहर के लोग हमारे अतिथि आवें उनको सेवा सत्कार हो और जोश में रहते हुए होश में रहे और बजरंगबली का जो उद्देश्य प्रतीक है बल और बुद्धि वो लोगों में दे बजरंगबली।